हेलो फ्रेंड्स, दिस इज असोनी। आप लोगों का आपके चैनल टेक इलेक्ट्रिका में स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आप लोगों से एक ऐसे ऐप के बारे में बात करने वाला हूँ, एक ऐसे ऐप का रिव्यू देने वाला हूँ जिसको यूज करके आप आसानी से अपने स्मार्टफोन को एज अ कंप्यूटर यूज कर सकते हैं। आपको लगेगा कि आप कंप्यूटर ही चला रहे हैं अपने मोबाइल में, ऐसा आपको फील होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल के लिए तीन काम जरूर करिएगा। फर्स्ट, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज उस रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेकंड, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो, मेरा प्रोसेस अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। और थर्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। आप लोगों को ये प्रोसेस अच्छा लगता हो तो कमेंट करिएगा, अच्छा ना लगता हो तो क्यों अच्छा नहीं लगा, क्या नहीं समझ में आया, आपके कमेंट हमें पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग अपना प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है लीना लॉन्चर। जैसे इसको सर्च करेंगे आपको इस टाइप का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, जहां पे आपको पहला ऐप दिख रहा होगा लीना डेस्कटॉप यूआई, इसको आप लोगों को क्लिक कर लेना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको इस टाइप का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, वहां पे आपको दिखेगा अनइंस्टॉल और इंस्टॉल। तो फ्रेंड्स, आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि मैंने इसको पहले से इंस्टॉल किया है तो मुझे यहाँ पे ओपन दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, इस ऐप के बारे में बात कर लिया जाए तो इसको 4.1 की रेटिंग मिली हुई है। 500,000 पर्सन इसको अभी तक डाउनलोड कर लिए हैं। और यदि पीपल कमेंट इसका देखा जाए तो इसको बहुत अच्छा है, पीपल कमेंट अभी तक मिला हुआ है। तो आप जैसे इसको ओपन करेंगे तो इस आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जैसा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए इसको हम ओपन करके आप लोगों को दिखा देते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे तो फ्रेंड देखिए, इस टाइप का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप ऊपर की तरफ देखेंगे वहाँ पे चार आइकन आपको देखने को मिल जाता है। पहला है वॉल्यूम का है, दूसरा है कटर है, तीसरा जो है कि बैटरी का है, और चौथा ऑप्शन जो है जहाँ पे हम क्लिक करके आपको दिखाएंगे वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको टेस्ट साइज छोटा बड़ा करने के लिए मिल जाएगा। इसका आप साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको यूजर सिस्टम वॉलपेपर मिल जाएंगे जो आप बहुत सारे वॉलपेपर्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और स्टेटस बार मिल जाएगा, लॉन्चर बार मिल जाएगा, एनिमेशन, मतलब मल्टीपल्स ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको चलिए कुछ ऑप्शन करके आपको दिखा देते हैं, कुछ प्रोसेस आपको समझा देते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको जितने भी आपके स्मार्टफोन में अभी तक ऐप हैं सब आपको यहाँ पे देखने लगेंगे, और यहाँ से आप इसको ओपन भी कर सकते हैं आसानी से। और यहाँ से यदि आप फाइल मैनेजर भी देखना चाहेंगे तो आपको यहाँ से फाइल मैनेजर दिख जाएगा, आप इसको ड्रैग करके कहीं भी आप इसको फिक्स कर सकते हैं। और इसको आप यदि लॉन्ग स्क्रीन करना चाहते हैं इसको आप कर सकते हैं। और देखिए, आपको यहाँ पर फुल प्रोसेस आपको देखने को मिल जाएगा लाइक अ कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ आपको इसको यदि कट करना है तो आप यहाँ से कट कर सकते हैं। यदि आप यूट्यूब चलाना चाहते हैं, यूट्यूब वाले ऑप्शन को ओपन करके इसे ट्रैक कर दीजिए इस साइड। और जैसे आप यदि फेसबुक चलाना चाहते हैं तो फेसबुक को ओपन करके आप इस साइड ट्रैक कर दीजिए। तो आप मल्टीपल ऑप्शन एक साथ कर सकते हैं। और यदि आप उस ऑप्शन को एंड करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से क्लिक करके कट कर सकते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस लॉन्चर को एंड करना चाहते हैं, इस लॉन्चर को आप फिट करना चाहते हैं, तो आप आसानी से, आपको कुछ नहीं करना है, आप ड्रैग उस ऑप्शन पे चलना है जो आपको राइट साइड में ऊपर की तरफ दिख रहा होगा, लास्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको इस टाइप का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पे फिट करना है। जैसे फिट करने का ऑप्शन आपको मिलेगा आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूछेगा दोस्तों कि आप इसको, इस लॉन्चर को आप क्लोज करना चाहते हैं, तो आप एस पे क्लिक कर दीजिएगा, आपको ये आपके मेन स्क्रीन पे आपको लेके आ जाएगा। तो फ्रेंड्स,
आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, प्रोसेस अच्छे लगे होंगे, स्टेप्स समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ट्यूटोरियल मैं इसे पेंट करता हूँ और आप लोगों के लिए बहुत जल्द नए वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ गिव लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स।